गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिवीजन फॉर आवर मिड टर्म एग्ज़ाम्स. ठीक है, हम अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे. हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे? एमसीक्यू वाले होंगे. ठीक है, आप सब जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको क्या है, जो बेस्ट ऑप्शन है, जो बिल्कुल सही आंसर है, उसी को चूज़ करना है, उसको टिक करना है. ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरा लेसन्स पढ़ना है, उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़नी है, ट्रू फॉल्स पढ़ना है, मैच द फॉलोइंग पढ़ना है, जो भी दिया है उसको डिटेल में पढ़ना है, सो दैट यू कैन चूज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, तभी आप करेक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे. ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल से. ओके, लेट अस स्टार्ट. शुरू करें. जैसे नोट, डू ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने हैं आपको. रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, जो सही विकल्प है उसी को चूज करना है. क्वेश्चन नंबर वन, विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पोन्ड. पूनम ने तालाब पर कौन सा पक्षी देखा था, एनिमल देखा था. ठीक है, टॉर्टाइज, मंकी, क्रो, ऑल ऑफ दीज. को क्या देखा था? टॉर्टाइज. तो समझेंगे क्वेश्चन को तभी टिक करेंगे. चूज द एनिमल हैविंग विंग्स. बटरफ्लाई, जिसके पंख होती. नेम द बर्ड विच रिपीट द साउंड ऑफ अ पर्सन. जो एक व्यक्ति की या जो हमारी साउंड को रिपीटेशन करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है. क्या है? पैरट, तोता. क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द बर्ड विच शोज डांस ड्यूरिंग रेनी सीजन. वो कौन सा पक्षी है जो वर्षा ऋतु में या वर्षा के दौरान, ठीक है, वर्षा ऋतु में जो है नाच दिखाता है. पीजन, कबूतर है, पीकॉक है, मोर है, डव है, क्रो है, क्या है? सब जानते हैं, पीकॉक. हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक. कैसे दिखाई देते हैं पेड़ों के पत्ते? बेडशीट, कवर, क्लॉथ्स, नन ऑफ दीज. ऐसा लगता है कि मानो पेड़ों ने कपड़े पहन रखे हों. ठीक है, क्लॉथ्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द ट्री हैविंग मेडिसिनल वैल्यू. रोज, मैरीगोल्ड, नीम, नन ऑफ दीज. कौन सा प्लांट ऐसा है जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, जिसमें ज़्यादा औषधीय गुण हैं, दवाइयाँ वगैरह उसके बनती हैं? तो कौन सा है? रोज है, मैरीगोल्ड है, नीम है. नीम की बनती है ना सबसे ज़्यादा दवाई, नीम से बनती. क्वेश्चन नंबर सेवन, द लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज हैविंग डैश शेप. अलग अलग जो पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है? सिमिलर, एक जैसी होती है, सेम होती है, एक बराबर होती है, डिफरेंट होती है. ऑल ऑफ दीज क्या? डिफरेंट होती है सर, हर पत्ते की शेप अलग होती है. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर एट, वी शुड नॉट डैश वाटर. हमको पानी को नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? मिस यूज, टेस्ट, यूज, ऑल ऑफ दीज. क्या क्या नहीं करना चाहिए? मिस यूज नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट मिस यूज वाटर. हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. डैश, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डैश. किसके लिए? वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर वाइफ के लिए, नाइफ के लिए, लाइफ के लिए, ऑल ऑफ दिस. किसके लिए? लाइफ के लिए. लाइफ के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से. रिवर, लेक, पोंड्स आर नोन एज वाटर बॉडीज, वाटर टैंक्स, वाटर प्लांट्स, ऑल ऑफ दिस. वाटर बॉडीज, क्या बोलते हैं इनको? वाटर बॉडीज. क्वेश्चन नंबर 11, वी यूज डैश टू क्लीन फॉर फेस और बॉडी. हम किसको यूज करते हैं अपने बॉडी और फेस को क्लीन करने के लिए? फेस वॉश, माउथ वॉश, वाटर, ऑल ऑफ दीज. क्या? वाटर, वाटर. ठीक है, कुछ भी है वो सब फेस वॉश, माउथ वॉश, वाटर के साथ यूज होता है. वाटर हमें अपने चेहरे को धोने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, नहाने के लिए वी यूज वाटर. ठीक है, माय फैमिली इज माय डैश, सोसाइटी है मेरी, कंट्री है मेरी, स्कूल है मेरा, कॉलेज है मेरा. क्या? माय फैमिली इज माय फर्स्ट स्कूल. मेरा परिवार मेरा पहला विद्यालय है. माय मदर इज माय डैश टीचर. सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑल ऑफ दिस. फर्स्ट, माताजी मेरी पहली अध्यापिका है, शिक्षिका है. वी शुड डैश आवर पेरेंट्स. वी शुड मदर, रिस्पेक्ट, सीनियर, ऑल ऑफ दिस. वी शुड रिस्पेक्ट, सम्मान करना. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. हम अपने पेरेंट्स का, अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए. वी गेट डैश फ्रॉम आवर फैमिली. वी गेट फॉल्स वैल्यूज, झूठे मूल्य, जीरोक्स मूल्य, मॉरल वैल्यूज, ऑल ऑफ दिस. क्या? वी गेट मॉरल वैल्यूज. वी गेट मॉरल वैल्यूज फ्रॉम आवर फैमिली. हम अपने परिवार से नैतिक मूल्य मिलते हैं. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू रीड दीज क्वेश्चंस,
दीज वर्कशीट्स, ठीक है, एंड क्वेश्चन आंसर्स, ओके, एंड रिवाइज इट. थैंक यू.